this question number. Question number 3 mein we are having, in the given figure, angle PQR is 100 degree, where PQR are the points on a circle with the center O. Find angle OPR. So figure hame given hai. Hame points PQR given hai circle pe. Aur angle given hai 100 degree. And we are to find this angle OPR. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, ये ओ पी आर बन गया हमारे पास. अब यहाँ ध्यान से देखना, हमारा जो बन रहा है ये एंगल 100 डिग्री, ये बन रहा है किससे, इस कॉर्ड पी क्यू पी आर से. अब यहाँ आपका ध्यान देने वाली बात है कि पी आर के इस तरफ जो है आपका एंगल बन रहा है ये 100 डिग्री. तो इसका जो एंगल आपका बनेगा सेंटर पे, दैट विल बी फॉर्म्ड बाय दीज टू रेडियाई. बस आपने ये ध्यान रखना है, जो पी क्यू आर के लिए हम ले रहे हैं तो उसका एंगल एट द सेंटर जो है वो ये वाला बन रहा है. ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. अब ये 100 डिग्री है, हमें डिग्री मेजर थ्योरम जो है इसका नेम है, जो हम रिजल्ट यूज कर रहे थे कि एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इस थ्योरम का नेम डिग्री मेजर थ्योरम है, बट प्रूफ इसका इस बार के लिए डिलीटेड है, जस्ट रिजल्ट वी आर टू यूज. सो अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये आपका एंगल आ जाएगा 200 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर आ गया आपका 200 डिग्री. अब कंप्लीट एंगल हमें पता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री. तो क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है तो ये बाकी का जो है ये रह गया हमारे पास 160 डिग्री का. तो अब ट्राइंगल ओ पी आर अगर हम लेते हैं तो इसमें ओ पी एंड ओ आर बोथ ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटिंग द रेडियस. तो रेडियस है एक ही सर्कल के, तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल एंड वी नो दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके इक्वल होंगे. तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल ओ पी आर. तो अब हमने इसको जस्ट राइट डाउन करना है. तो कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे कि सिंस एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, देयरफॉर जो आपका रिफ्लेक्स एंगल टू रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर दैट इज 200 डिग्रीज. सो यहाँ आप लिखिए, सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर एट इट्स सेंटर इज डबल, सेंटर पे एंगल आपका डबल होता है, इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटर सर्कल बाय द सेम कॉर्ड. सेम कॉर्ड से वो एंगल आपका होता है. लवलीना म्यूट योर सेल्फ बच्चे. इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बाय द सेम कॉर्ड. ऊपर आर्क वर्ड यूज किया है तो यहाँ भी आर्क कर लो. अगर ऊपर कॉर्ड लोगे तो यहाँ भी कॉर्ड ले लेना, दोनों सेम होने चाहिए. देयरफॉर जो आपका रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर है
क्योंकि 180 से बड़ा है, सो वी आर यूजिंग दिस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर. तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर हो गया आपका ट्वाइस ऑफ पी क्यू आर, हमें 100 डिग्री गिवन था, तो ट्वाइस ऑफ 100 दैट इज 200 डिग्रीज. अब रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर 200 है, तो एंगल पी ओ आर जो है दैट विल बी इक्वल टू 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, क्योंकि हमें पता है एक एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल का सम इज 360, सो दिस इज 360 माइनस 200 दैट इज 160. तो एंगल पी ओ आर आ गया हमारे पास 160. अब एंगल पी ओ आर 160 डिग्री है हमारे पास, तो अब हमने ट्राइंगल ओ पी आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है. एंड उससे पहले जस्ट आप मेंशन कर दोगे कि जो एंगल ओ पी आर है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ओ आर पी, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर द एंगल्स इक्वल टू द अपोजिट साइड्स. नाउ ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, बोथ ऑफ दीज आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. देयरफोर एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी के ओपोजिट इज एंगल ओ आर पी, एंड ओ आर के ओपोजिट इज एंगल ओ पी आर. ये दोनों इक्वल हो गए. नाउ इन ट्राइंगल ओ पी आर, इसको 1 ले लो. इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी आर ट्राइंगल में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. सो दिस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ पी आर, एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई. तो तीनों का सम 180 डिग्री. अब ओ पी आर हम शो कर चुके हैं कि ओ आर पी के इक्वल है, तो पी ओ आर हमें पता है दैट इज 160 डिग्री. ओ आर पी को मैं रिप्लेस कर दूंगी ओ पी आर से, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज 180 माइनस 160, ट्वाइस ऑफ ओ पी आर आपका 20 डिग्री आ गया, तो ओ पी आर इज 10. तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, सो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 110. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3 दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे ऑल्सो. सो स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. अगर अभी भी लग रहा है आपको कोई कोई डाउट है, तो कोई स्टेप नहीं क्लियर, तो यू कैन आस्क. ओके फाइन. सो मैम आंसर क्या है? बच्चे एंगल ओ पी आर इज 10 डिग्रीज. यहां से आ ओके गया मैम, आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज 20 डिग्री, तो एंगल ओ पी आर इज 10. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं आपके डिग्री मेजर थ्योरम पे ही. सो मेन जो आपको इसमें कंसेप्ट जिस पे ध्यान देना है दैट इज कि अगर एक कॉर्ड या एक आर्क सेंटर पे जो भी एंगल बना रही है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे उसका हाफ बनेगा. कॉर्ड सेम होनी चाहिए, आर्क आपकी सेम होनी चाहिए, देन ओनली. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर गिवन इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इज 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज 31 डिग्री. फाइंड एंगल बी डी सी. ये एक ट्राइंगल ले ली मैंने ए बी सी, इसमें मुझे एंगल गिवन है ए बी सी 69 डिग्री.
और एसी बी 31 डिग्री, और मुझे फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी। दिस एंगल आई हैव टू फाइंड। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि जो बी सी है मेरी वो कॉर्ड है, और हमने अगेन एक थ्योरम ये भी की थी कि एंगल्स जो है कॉर्ड है तो वो इसको टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, और हमने एक थ्योरम की थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि ये अगर मुझे सर्कल गिवन है और यहाँ पे कोई कॉर्ड जो है अगर यहाँ पे एंगल मान लो ये 30 डिग्री का बना रही है, तो इस लाइन के इस कॉर्ड के इस वाले सेगमेंट में मेजर सेगमेंट में मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लूं तो इस कॉर्ड से जो उस पॉइंट पे एंगल बनेगा दैट विल बी 30 डिग्री ओनली। तो एक एंगल अगर मुझे गिवन है तो उस सेगमेंट में जितने मर्जी मैं एंगल्स ले लूं दे विल ऑल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो एक वैल्यू मुझे गिवन है वही यहाँ पे सभी एंगल्स की वैल्यू होगी। पॉइंट आप इसी सेगमेंट में, कंडीशन ये है कि इसी साइड पे आप लेके चलोगे। अब यहाँ पे देखो ये कॉर्ड मुझे बी सी गिवन है, बी सी के साथ मुझे ये दो चीजें सेम एंगल बना रही है, यानी कि ये दो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। तो अगर मैं इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल लूं तो सेम विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बी डी सी। अब इसके लिए मुझे ये ट्राइंगल बी ए सी की वैल्यू निकालने के लिए, ये ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी थी जिसमें मुझे ये एंगल 69 डिग्री गिवन है, ये एंगल 31 डिग्री गिवन है। आई होप नाउ यू कैन गेस हाउ टू सॉल्व एनी वन ऑफ यू। मैम एंगल सम प्रॉपर्टी से करेंगे, सिंपली यू विल अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। 69 यहाँ आपको गिवन है, ये 31 आपको गिवन है, तो एंगल इनका सम जो है 180 में से माइनस कर दोगे यू विल गेट दिस। सो ये आ गया आपके पास, तो सेम विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल बी डी सी। ओके सो अब इसमें 80 डिग्री, या इट विल बी 80 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम आपके पास 100 आएगा, 100 को जब आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 80 डिग्री। सो अब हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, पहले जो जो एंगल्स आपको गिवन है वो लिख लो। एबीसी आपको 69 डिग्री गिवन है, एसीबी आपको 31 डिग्री गिवन है। सो इन ट्राइंगल एबीसी अप्लाइंग या यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, सो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस ए सी बी बी ए सी। ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी वैल्यूज पुट कर दो आप। ये पूरा प्रॉपर वे है आपका इसको सॉल्व करने का, अदरवाइज मेथड आपको पता है, यू ऑल्सो हैव गिवन मी द आंसर। बट क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव है सो इसको आपने पूरा प्रॉपर वे में करके दिखाना है। सो एंगल बी ए सी आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब एंगल बी ए सी 80 डिग्री है तो सेम विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल बी डी सी, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस बी ए सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये नहीं बनाना आपने, देयरफॉर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि बी ए सी हमारे पास 80 आया है, सो द वैल्यू ऑफ एंगल बी डी सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 80 डिग्रीज। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। आपको बी सी एक कॉर्ड गिवन थी और उस कॉर्ड से सेम सेगमेंट में पॉइंट्स ए एंड डी गिवन थे ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मैं ये इसलिए लैंग्वेज चेंज करके बोल रही हूँ सो दैट यू कम टू नो दैट जो आपकी स्टेटमेंट है वो चेंज्ड वे में भी आ सकती है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इफ बी सी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल या ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल वी आर हैविंग ए एंड डी पॉइंट्स, ऑन ज्वाइनिंग ए टू बी एंड ए टू सी जो एंगल्स हैं वो आपके ये हैं ये हैं, तो फाइंड एंगल बी डी सी।
तो जरूरी नहीं है फिगर आपको गिवन होगी, फिगर आपको खुद भी बनानी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन जो आपको स्टेटमेंट में कंडीशंस गिवन होंगी। तो पूरा एज इट इज बुक के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे आप, स्टेटमेंट को समझ के फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे एंगल एबीसी और एसीबी हमें गिवन था, थर्ड एंगल हमने निकाल लिया। अब थर्ड एंगल जो है वो उसी सेगमेंट में था जिस एंगल की हमें वैल्यू निकालनी थी, एंड वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो एंगल बीडीसी भी हमारी सेम वैल्यू आ गई जो बीएसी की थी। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन एबीसी एंड डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एबीसीडी हमें 4 पॉइंट्स गिवन है एक सर्कल में। एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो पहले हमने क्या करना है, 4 पॉइंट्स ले लेने हैं एबीसीडी इन अ सर्कल। सेंटर का यहाँ पे कोई रोल मेंशन्ड नहीं है, बट अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जो कंसेप्ट है डिग्री मेजर थ्योरम वाला, दैट वी विल यूज डिग्री मेजर थ्योरम। अब मैं जहां पे भी बोल रही हूँ, इट डज मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल एट द सेंटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मुझे यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट कि ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, सच दैट एंगल बी ई सी इज 130 डिग्री। ये एंगल हमें गिवन है 130 डिग्री, एंड एंगल ई सी डी इज 20 डिग्री। ये एंगल मुझे गिवन है 20 डिग्री। ई सी डी है तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, तो सी और डी को आप ज्वाइन करोगे। ये वाला एंगल है आपका ई सी डी, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये मुझे गिवन है 30 डिग्री, 20 डिग्री, दिस इज 20। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, फाइंड एंगल बी ए सी। तो मुझे ये वाला एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अगेन अब देखो हम क्या करेंगे, इसको एक कॉर्ड एज्यूम कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे बी और सी को। तो बी सी हमारी एक कॉर्ड बन गई, हमें जो है वैल्यू निकालनी है बी ए सी की। एंड क्लियरली फ्रॉम द फिगर यू कैन सी कि बी ए सी और बी डी सी जो है दे आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। दोनों जो है वो सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ई डी सी को, तो ई डी सी में डी ई एक्सटेंडेड पे मुझे एंगल 130 डिग्री गिवन है, यानी कि दिस इज द एक्सटीरियर एंगल मुझे गिवन है। अब ये मुझे एक्सटीरियर एंगल गिवन है 130, और एक ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मुझे गिवन है, तो आई कैन फाइंड आउट दिस। क्या प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे मुझे जब एक इंटीरियर एंगल मैम ऑपोजिट लीनियर पेयर लीनियर पेयर। हाँ यू कैन यूज दैट ऑल्सो, वो भी आप यूज कर सकते हो, लीनियर पेयर से भी हो जाएगा। और मैं जो पूछ रही हूँ मुझे वो बताओ, लीनियर पेयर से भी मैं बता रही मैम हूँ। सम एक्सटीरियर ऑफ एंगल इंटीरियर प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल द प्रॉपर्टी। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द इंटीरियर एंगल। तो 20 प्लस एंगल ईडीसी आपका इक्वल टू 130 डिग्री आएगा, यानी कि ईडीसी आ गया 130 माइनस 20, यानी कि 110। अभी एक बच्चे ने लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी बोली थी, वो भी आप यूज कर सकते हो। ये एंगल आपके पास 130 है, तो ये एंगल क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो दोनों का सम 180 बनना चाहिए। इफ दिस इज 130 तो ये आपका क्या आ जाएगा, 50। अब ये ईडीसी आपका ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ये 50 है ये 20 है, तो तीनों एंगल्स का सम इज 180। तो 50 प्लस 20 इज 70, यानी कि 180 बनाने के लिए दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 110। तो एंगल आपका ई डी सी 110, यानी कि बी डी सी 110, बिकॉज ई इज लाइंग ऑन दिस बी डी। अब ये एंगल 110 आ गया,
तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 110, बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट, यू आर टू डू इट योर सेल्फ. आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि या आप लीनियर पेयर वाला यूज कर लो या एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो यूज कर लो. मैम फोर्थ क्वेश्चन भी है होमवर्क में? नहीं फोर्थ नहीं है, दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ ओनली, सो दैट इज नॉट योर होमवर्क पार्ट. थर्ड वन एंड फिफ्थ वन, बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क पार्ट. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देखो जब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो इट मींस चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं दे विल लाई ऑन द सर्कल. एक तो हमें ये कंडीशन मिलेगी, सेकंड कंडीशन हमें क्या मिलेगी कि उनके जो ओपोजिट एंगल्स का सम है दैट विल बी इक्वल टू 180 degree. तो ABCD अगर मुझे ऑर्डर गिवन है तो A के ओपोजिट विल बी एंगल C, सेम ऑर्डर है ABCD. तो A के ऑपोजिट जब आप इसको क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में लोगे, A एंड C आर ऑपोजिट एंगल्स, B एंड D आर ऑपोजिट एंगल्स, तो इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 degree. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिजल्ट सेम आ रहा है. अब इसमें हमें गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हूज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई. अब ए बी ऑलमोस्ट सेम फिगर आपकी बन जाएगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे. ये डायगोनल्स हो जाएंगे, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट ई, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया. अब गिवन क्या क्या है इसमें देखो, मुझे इफ एंगल DBC इज 70 degree, ये एंगल मुझे गिवन है 70 degree, एंड एंगल BAC इज 30 degree, BAC इज 30 degree. Find angle BCD. Find angle BCD यानी कि ये पूरा एंगल मुझे निकालना है. फिर वो क्या कह रहे हैं, ऑल्सो इफ AB इज इक्वल टू BC, इफ AB इज इक्वल टू BC कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, देन फाइंड एंगल ECD. जब ये दो सेकेंड पार्ट बना लेंगे इसको, जब ये दोनों इक्वल होंगे BA और BC, फिर मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. तो अब अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट यूज करेंगे फिर से एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाला. फर्स्ट पार्ट के लिए जो हम ले रहे हैं, अभी इसको छोड़ दो, हम ये पूरा एंगल लेके चल रहे हैं. फर्स्ट पार्ट के लिए देखो कौन कौन सी सेगमेंट्स मेरी बन रही है. एक कॉर्ड मुझे गिवन है ये CD, तो CD से मुझे जो जो एंगल्स की वैल्यू गिवन है मैं वो देख रही हूँ कि कौन कौन से कॉर्ड पे बन रहा है. तो CD से मेरे पास एक सेगमेंट ये बनी और एक सेगमेंट मेरे पास ये बनी. तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. अगर ये एंगल मुझे 70 degree का गिवन है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 70 degree. तो मेरे पास ये एंगल DAC आ गया 70 degree. अब साइक्लिक वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, ये मुझे 30 गिवन है, ये मैंने 70 कैलकुलेट कर लिया, आई नो 70 प्लस 30 इज 100. अब ये साइक्लिक का कंसेप्ट क्या है, ओपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ये 70 30 100 है, तो दिस विल बी सम 180 बनाना है, तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास 80 degree. यानी कि एंगल BCD आ जाएगा हमारे पास 80 degree. अब हमें उसने क्या कहा, इफ AB इज इक्वल टू BC, मैं फिगर दोबारा बना रही हूँ समझाने के लिए आपको. तो अब जो गिवन है सिर्फ उसको हम लेके चल रहे हैं, मुझे गिवन है AB इक्वल टू BC.
अब मुझे ये पता है, देखो ये एंगल मुझे 30 डिग्री गिवन है, वो मुझे क्या कह रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है. व्हेनेवर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, तो हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब ये दो साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि ये मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री. ठीक है, अब ये 30 डिग्री आ गया, ये पूरा हमने कितना निकाला हुआ था 80 डिग्री, 80 डिग्री में से आपका ये वाला जो एंगल है वो 30 आ गया, तो बाकी कितना बचा, दैट विल बी 80 माइनस 30 यानी कि 50, तो एंगल ई सी डी आ जाएगा आपका 50 डिग्री. सो यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस आल्सो, अगेन वी विल डिस्कस. चलिए अब हमने इसको जो है लिखना है, तो लिखना किस तरीके से है, मैं बीच बीच में क्वेश्चंस इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर वे पता लग जाए कि किस वे में आपने इनके सॉल्यूशंस को लिखना है. मैम सेगमेंट वाला एक बार रिपीट कर दो, दोबारा देख लो. हमें गिवन था कि जो जो एंगल्स हमें गिवन थे वो मैंने व्हाइट से लिखे हुए हैं, बाकी मैंने कलर्ड वन से लिखे थे. मुझे ये वाला एंगल 70 डिग्री गिवन था, मैंने क्या किया इस एंगल को चेक कर लिया जो मुझे गिवन था कि ये किस वैल्यू के साथ गिवन है, यानी कि किस कॉर्ड के साथ गिवन है. तो ये एंगल हमारा 70 डिग्री था, दैट वाज लिंक्ड विद दिस कॉर्ड सी डी. अब इसी कॉर्ड सी डी से आई कैन सी कि ये एंगल ए जो बन रहा है, दिस वन इज ऑल्सो विद दिस कॉर्ड सी डी. अब ये दोनों क्योंकि सेम साइड पे बन रहे हैं सी डी के, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गए, एंड आई नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो ये 70 मुझे गिवन था, ये 70 हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द कंसेप्ट दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो ये दोनों 70-70 आ गए. अब ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, ये मुझे ऑलरेडी 30 गिवन था, तो इट मींस ये वाला पूरा एंगल मेरा बन गया 70 + 30 यानी कि 100. अब ए और सी, ए बी सी डी क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ए और सी सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये एंगल मेरा 100 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा 80 डिग्री, ताकि ये आपस में सप्लीमेंट्री रहे. ये पूरा एंगल आ गया 80 डिग्री. अब इसमें से मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, कंडीशन मुझे क्या गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल होंगे. अब ट्राइंगल ए बी सी पे हम कंसेंट्रेट करेंगे, अगर ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल होंगी तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल 30 होगा क्योंकि ये 30 मुझे गिवन है. ये पूरा मैंने 80 कैलकुलेट किया था, उसमें से ये मैंने अब कैलकुलेट कर लिया 30 है, तो बाकी कितना बच गया 80 माइनस 30 यानी कि 50 डिग्री. तो एंगल ई सी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्रीज. अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल जो जो हमें गिवन है, पहले उनकी वैल्यूज लिख लो क्विकली. एंगल डी बी सी इज 70 डिग्री, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. एंगल डी बी सी मुझे गिवन है 70 डिग्री, इसके बाद एंगल गिवन है बी ए सी 30 डिग्री और सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं ए बी इक्वल टू ए सी. गिवन टू प्रूफ की फॉर्म में नहीं करना क्योंकि वैल्यूज वी आर टू फाइंड आउट. अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल जो मुझे गिवन है डी बी सी दैट इज इक्वल टू एंगल डी ए सी. Angles in the same segment. और angles in the same segment का concept हमने ले लिया that they are equal. So अब आ गया हमारे पास also angle AB. हाँ जी बेटे. If any doubt is there, you can unmute yourself and ask your doubt. So, हाँ जी, बोलिए. बेटे इतना नहीं सोचना पड़ता, अगर कोई doubt है तो you can unmute yourself and ask your doubt. You are having the option to unmute. ओके फाइन. सो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी. अब डी ए सी हमने कैलकुलेट किया 70
सी ए बी हमें गिवन है 30, बी ए सी या सी ए बी, बी ए सी लिखा है तो यहाँ पे भी बी ए सी कर लो. सो दिस इज 100 डिग्री. तो एंगल डी ए बी आ गया 100 डिग्री. अब आप लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एस ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी आर सप्लीमेंट्री. डी ए बी हमारे पास 100 है, तो डी सी बी आ गया हमारे पास 80 डिग्री. तो एंगल डी सी बी आ गया 80 डिग्री. यहाँ पे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बी सी डी कहा है, तो हेयर आई एम चेंजिंग. आप चाहो तो यहाँ पे भी चेंज करके लिख सकते हो. क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने बी सी डी कहा है तो वही ऑर्डर आप लिख सकते हो. अदरवाइज एंगल सी की बात हो रही है, मिड वर्टेक्स हम चेक करते हैं, तो एंगल बी सी डी आ गया हमारे पास 80 डिग्री. अब इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एज वी आर गिवन, अभी अगर गिवन होगा देन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए बी, बी ए सी, यस बी ए सी आप लेंगे इक्वल टू ए सी बी. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, यानी कि बी ए सी हमें गिवन है 30 डिग्री, तो ए सी बी आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री. ए बी के अपोजिट ए सी बी करो इसको. और इसको करो बी ए सी. सो ए सी बी आ गया हमारे पास 30 डिग्री. अब हमें एंगल कौन सा निकालना था, ई सी डी. नाउ यहां लिख रही हूं मैं ऊपर ए सी बी 30 डिग्री है. अब हमें एंगल निकालना है ई सी डी. एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी. बी सी डी गिवन है हमें 80. ए सी बी या बी सी ए हमने कैलकुलेट किया 50, ये हमने निकालना है. दिस इज 30. तो 80 माइनस 30 दिस इज 50. सो दिस वॉज योर आंसर. यहां तक है ये आपका. सो एज द बेल हैज गॉन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस we will do tomorrow. Yes, Panika, just a moment, bete. Haan ji, bete. Ma'am, angle ACB 30 degree kaise aaya? Bete, ye humne abhi kya kiya? AB equal to BC hai. Ye dono sides is triangle mein equal hai. Angles opposite to equal sides are equal. Okay. So if anyone else is having any doubt, you can unmute yourself and ask your doubt. Otherwise, as the bell has gone, so I'm ending the meeting. Anushka, your voice is not audible, bache. होमवर्क में बेटे क्वेश्चन नंबर 3, 5 and 6, 3rd, 5th and 6th आपको करने हैं. ओके फाइन देन, आई एम एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.